Hello guys, good evening. So today we are gonna learn a little about the feed water control system of a boiler. So basically तीन component का होता है. एक तो होता है important ये feed flow transmitter, second is steam flow transmitter and third is level transmitter. ये तीन चीज़ें important है to control the water level in the boiler. So feed flow transmitter और water flow transmitter का as you can see the signal goes to the differential relay. डिफरेंशियल रिले का जो बॉक्स है वो डिफरेंशियल रिले के पास उसकी सिग्नल जाती है एज यू कैन सी. सो इन अ कन्वेंशनल मेथड अगर एक बैलेंस सिस्टम में 16 मीटर क्यूब पर आवर से पानी फ्लो हो रहा है तो 16 मीटर क्यूब आवर के रेट से ही स्टीम भी आपका फ्लो होना चाहिए. अभी लेट से आपका बॉयलर चालू है और सडनली आपने कोई जोन का ये स्टीम वाल्व खोल दिया तो अभी क्या हो गया, स्टीम की डिमांड बढ़ गई. लेट से आपने फ्यूल ऑयल बंकर टैंक का आपने हीटिंग खोल दिया तो अभी स्टीम वहाँ भी जाना चालू हो गई और बंकर टैंक तो अब सबको पता रहता है कि इट्स अ वेरी यूज टैंक. सो देर इज सडन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ स्टीम. सो अभी स्टीम का फ्लो रेट बढ़ गया, स्टीम इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 18-19 मीटर क्यूब पर आवर. ओके, सो नाउ व्हाट यू वांट टू डू, यू आल्सो वांट टू इंक्रीज द वाटर कैपेसिटी. तुम्हें आपका जो फीड वाटर का फ्लो रेट है उसको ही बढ़ाना पड़ेगा बैलेंस के लिए, बैलेंस करने के लिए. सो व्हाट विल हैपन, बोथ द सिग्नल्स विल गो टू द डिफरेंशियल रिले. डिफरेंशियल रिले से डिजायर्ड आउटपुट जो है वो PNI कंट्रोलर पे जाएगा और लेवल ट्रांसमीटर का भी आउटपुट PNI कंट्रोल में जाएगा. और लेवल ट्रांसमीटर में अभी क्या हो रहा है, हमें डिफरेंशियल ट्रांसमीटर तो डिटेक्ट कर रहा है द डिफरेंस इन द फ्लो बिटवीन द वाटर एंड द स्टीम. अभी लेवल ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, अभी सडनली स्टीम का फ्लो बढ़ गया तो क्या होगा, अंदर पर वाटर का फ्लो कम है तो वाटर लेवल आपका सिस्टम बॉयलर में डिक्रीज हो जाएगा और स्टीम लेवल इंक्रीज हो जाएगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेवल ट्रांसमीटर का भी सिग्नल जाएगा PNI कंट्रोलर में एंड वो जाएगा PNI कंट्रोल जो आउटपुट सिग्नल है देगा फीड वाटर कंट्रोल वाल को कि हमें बॉयलर में इतना लेवल पानी मेंटेन करना है और इतना मीटर क्यूब पर आवर से वाटर जाना चाहिए सो दैट वी कैन कोप अप विद स्टीम डिमांड. सो सिग्नल जाएगा टू फीड वाटर कंट्रोल वाल्व एंड इट विल टेल द वाल्व टू ओपन अ लिटल. इन अ सेम वे अगर स्टीम फ्लो आपका जो स्टीम डिमांड अगर वो डिक्रीज होता है तो आपका वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्रम में. सो साइमल्टेनियसली सिग्नल जाएगी फ्रॉम PNI कंट्रोलर टू द फीड वाटर कंट्रोल वाल्व और वो वाल्व को थोड़ा बंद कर देगा सिंस द वाटर लेवल इज हाई and to bring the water level back to the normal level or steam or steam flow or feed water flow ko balance karne ke liye. So I hope guys aapka doubt clear ho gaya hai and there is two way, ऑटो एंड मैनुअल सेलेक्टर भी दिया है कि अगर कभी कभी सिस्टम में ऑटोमेशन में कंट्रोल आ जाता है, अगर डीले में या PNI कंट्रोलर में प्रॉब्लम आ गया तो हम वाल्व को मैनुअल में डाल के हम वाल्व को 10% ओपन, 20% ओपन, 30% ओपन, हमें जितना रखना है उतना रख सकते हैं लुकिंग एट द स्टीम डिमांड एंड लुकिंग एट द बॉयलर लेवल कि कितने परसेंट पे बॉयलर लेवल मेंटेन हो रहा है स्टीम डिमांड को मद्देनजर रखते हुए. So I hope your doubt of this controlling the water, doubt about controlling the water level in the boiler is cleared. ये एक level है, दूसरा on off control भी होता है. वो basically let's say जब boiler low level पे आता है, let's say अगर 100 millimeters of column is normal है और let's say अगर 50 millimeter पे आया तो start हो जाए और 150 पे गया तो stop हो जाए, तो on off control से भी achieve हो सकता है. तो उसमें pumps frequently start stop होते हैं and to avoid the starting and stopping of the pumps frequently this system is introduced and this system is far more better because to start stop pump frequently is not good. It is far more better if the pump is running continuously. और आप सोचोगे कि बॉयलर का अगर वाल्व ओपन क्लोज होता रहेगा
तो लाइन में से अगर इफ़ यू विल सी द लाइन डायग्राम, आई विल ट्राई टू शेयर इट इन अनदर वीडियो। देर जो आउटपुट होता है फीड वाटर पंप का, उसकी दो लाइन होती है, एक लाइन जाती है बॉयलर को और एक लाइन जाती है वाया ओरिफिस टू द कास्केट टैंक। तो अगर समझो वाल्व अगर पूरा बंद है, तो वो वाया ओरिफिस वो पानी जो है वो प्रेशर रिलीव होने के लिए लाइन में से पानी जाएगा कास्केट टैंक में। तो अगर वाल्व पूरा भी बंद हो गया, इफ़ इन केस एंड स्टिल द पंप इज़ रनिंग, द प्रेशर वोंट राइज, क्योंकि आपका जो प्रेशर है वो आपके जो बाईपास लाइन है जो वाया ओरिफिस कनेक्टेड है टू कास्केट टैंक, पानी आपका वहाँ से बैक टू कास्केट टैंक फ्लोर है एंड इट फ्लोज बैक इन रिसर्कुलेशन। सो वेन यू गाइस नेक्स्ट टाइम वेन यू गो ऑन शिप, प्लीज़ ट्राई एंड ऑब्जर्व। अभी 90s का सिस्टम था ऑन ऑफ कंट्रोल का, 90s एंड अर्ली 2000, बट नाउ ऑल द मॉडर्न शिप्स हैव दिस टाइप ऑफ फीड वाटर कंट्रोलर विच इज़ अचीव्ड, दिस टाइप ऑफ फीड वाटर कंट्रोल विच इज़ अचीव्ड। इफ़ यू गाइस स्टिल हैव एनी मोर डाउट्स, प्लीज लाइक एंड लाइक यू नो प्लीज़ कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई एंड गेट इट क्लियर। थैंक यू।